नमस्कार, मेरा नाम है मौनी दीवान। प्रके विजुअल एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले विज्ञान सेक्शन से आप लोग तो देख लिए होंगे, तो दो वीडियो मैंने बताया था, ठीक है, भाग 5 और भाग 6। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम समाज विज्ञान से आपको बताएंगे प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर प्रश्न क्रमांक 50 तक। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ प्रयास आवासीय विद्यालय में पूछे जाने वाले सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 51, हैदर अली कहाँ का शासक था? क मैसूर, ख पंजाब, ग बंगाल, ख हैदराबाद। इसका सही उत्तर है मैसूर, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 52, संविधान के किस अधिकार के तहत अल्पसंख्यक अपने धर्म एवं से संबंधित विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोले गए हैं? ग स्वतंत्रता का अधिकार, ख समानता का अधिकार, ग संसार का अधिकार, ख शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार। इसका सही उत्तर है शिक्षा और सांस्कृतिक का अधिकार के तहत अल्पसंख्यक के वर्ग लोग विद्यालय और महाविद्यालय खोले गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 53, हजरत महल संबंधित है? क सोन खान, ख कानपुर, ग लखनऊ, ख झांसी। इसका सही उत्तर है लखनऊ। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 54, किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसान खेती की जाती है? क गहन कृषि, ख निर्वाह कृषि, ग व्यावसायिक खेती, ग मिश्रित खेती। इसका सही उत्तर है निर्वाह कृषि। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 55, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है? क 1916, ख 1960, ग 1906, ख 1911। इसका सही उत्तर है 1906, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 56, आप्रवासन का अर्थ है? क जब व्यक्ति देश आता है, ख जब व्यक्ति देश को छोड़कर जाता है, ग जब व्यक्ति अपने ही देश में रहता है, द इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है जब व्यक्ति देश को छोड़कर जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 57, यूएन ओग में स्थायी सदस्यों की संख्या है? क 10, ख 5, ग 15, ह 12। इसका सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 58, उद्योग किसके अंतर्गत आता है? क प्राथमिक क्षेत्र, ख द्वितीय क्षेत्र, ग तृतीय क्षेत्र, ख इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 59, अंगूर की खेती को कहा जाता है? क एग्रीकल्चर, ख सेरिकल्चर, ग पीसीचर कल्चर, ख पीटी कल्चर, ख यूटी कल्चर। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 60, कौन सा कर सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है? क आयकर, ख उत्पाद कर, ग वैट, घ सीमा शुल्क। इसका सही उत्तर है आयकर, ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोग को समझ आ गया, तो आज के वीडियो बस इतना ही। दोस्तों, यह प्रयास वासी विद्यालय कक्षा 9वीं प्रेस टू प्रश्न पत्र 2020 का सामाजिक विज्ञान से आप लोग को समझ आ गया होगा सामाजिक विज्ञान में किस टाइप का प्रश्न पूछे गए थे, तो उसको देख के आपको आइडिया हो गया होगा। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल में नए आ गए हो तो लाल वाली बटन को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यदि नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन बटन को क्लिक कर दीजिएगा। और इस तरह का मैं नया नया जानकारियां लेकर आते रहूंगा, जाने के जान दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।